गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अध्यापक के जो सामान्य गुण है, जो कल की विधियों के आगे का पार्ट है, आज हम उसकी स्टडी करते हैं। अब अध्यापक अध्यापक है क्या? अध्यापक वह प्रकाश का पुंज है जो स्वयं प्रज्वलित होकर के अपने विद्यार्थी रूपी दीपकों को भी प्रज्वलित करता है। इसलिए अध्यापक के अंतर्गत कई प्रकार के गुण होना जरूरी है। तो हम अध्यापक के व्यक्तित्व, यानी सामाजिक विज्ञान अध्यापक का जो पर्सनैलिटी है। अब पर्सनैलिटी के दो पैरामीटर हम ले सकते हैं, एक तो ले सकता है आंतरिक और एक हम ले सकते हैं बाह्य। अब बाह्य के अंदर उसका शारीरिक जो है बाह्य रूप और ये आंतरिक रूप। आंतरिक रूप में उसका ज्ञान और बाह्य रूप में उसका शारीरिक बनावट। और प्लस हम लेते हैं उसकी वेशभूषा इत्यादि। तो हम इन चीजों को प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अगर सामाजिक विज्ञान अध्यापक का प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, न केवल आंतरिक रूप से वह अपना बुद्धिमत्ता, अपना व्यवहार कुशल, अपने ज्ञान में निरंतर अपडेट रहने वाला और बाह्य स्वरूप में शारीरिक बनावट अट्रैक्टिव हो, वेशभूषा वेल ड्रेसअप हो और एक छवि जो उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो वह हो, तो वह बालकों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और बच्चे भी ऐसे ही शिक्षक को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसे अपना एक आइडियल मानते हैं और आइडियल मान करके वह आगे उसी के ही अनुरूप कार्य करना, अपना ड्रेसअप, अपना एक तरह से फिजिकल चाल चलन उनके जैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार सामान्य गुणों के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अध्यापक का प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इस पे मानते हैं तो इसके अंतर्गत लेते हैं आत्मविश्वास की भावना। तो ऐसा हो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक जो बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंट हो अपने हर कार्य उत्तरदायित्वों के प्रति, यानी अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति समर्पण समर्पण भाव वाला हो, तो निश्चित ही अपने हर कार्य में उसे आत्मविश्वास की अनुभूति होगी और उसी आत्मविश्वास के बल पर न केवल वो विद्यालय से संबंधित गतिविधियां हैं, चाहे स्कूली क्लासरूम टीचिंग की एक्टिविटीज है, उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली काम करेगा, उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। साथ ही वह अपने कॉलेज को भी निरंतर अपडेट करता रहे, तो
बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें जो हम पैरामीटर देते हैं विनोद प्रियता, विनोद प्रियता का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा अपना स्टडी अपने कार्यों अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हंसी मजाक में ही उस कार्य को ले, ऐसा नहीं, सीरियस भी, लेकिन क्लासरूम का जब उसे लगे कि क्लासरूम का वातावरण यानी कक्षा कक्ष का वातावरण नीरस और बोझिल लगने पर वह क्या करे, बीच बीच में बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ऐसा विनोद प्रियता का के द्वारा हंसी मजाक का एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें ताकि बालक उसके शिक्षण अधिगम में रुचि ले सके। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वो है सहनशील, सहनशील यानी सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है वो अपनी निंदा होने पर भी क्या करे, उसे सहन करे, ऐसा नहीं प्रतिक्रियात्मक स्वरूप कुछ भी आया वो बोल दे, साथ ही कक्षा कक्ष में प्राय विद्यार्थियों विद्यार्थियों के पूछे प्रश्न ना आने पर यानी उनका उत्तर ना आने पर अपना धैर्य बनाए रखे, तो ऐसा होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का अध्यापक कि ऐसा नहीं है नहीं आता तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत जवाब बच्चों को दे दें या फिर एकदम निरुत्तर अपने आप में ही हीन भावना पैदा हो, तो ऐसा नहीं बल्कि उस बातों में भी धैर्यता बनाए रखना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, इस यही गुण उसकी सहनशीलता का प्रतीक है। नेक्स्ट इसमें है करता है और इस नेतृत्व के आधार
आज्ञा भी मानते हैं और उसके कहे हुए जो भी निर्देश है उसका स्टूडेंट पालन करते हैं। साथ ही जो सामाजिक विज्ञान अध्यापक है वह अनुशासन प्रिय होना चाहिए, स्वयं अनुशासन का ध्यान रखे, क्लास में समय पर आना है, विद्यालय में समय पर आना है, अपनी समस्त कार्य गतिविधियों को समय पर पूर्ण करना है, तो ये अनुशासन प्रियता की निशानी होती है। नेक्स्ट अगर हम माने गुण, तो नेक्स्ट जो गुण है वह है परिश्रमी एवं कर्तव्य परायणता। यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो परिश्रमी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कक्षा कक्ष के शिक्षण की जो प्रक्रिया है साथ ही विद्यालय में दी जाने वाले समस्त कार्य और उत्तरदायित्व है उसको बोझ समझ करके करे, ऐसा ना हो बल्कि कार्य को एकदम लगन परिश्रम के साथ पूर्ण रूप से संपादित करे और अपने परिश्रम होने का श्रम के प्रति निष्ठा के भाव का परिचय दे, साथ ही अपने समस्त कार्यों को कर्तव्य निष्ठा के साथ समय पूर्ण करने का प्रयास करें। इसके साथ ही जो नेक्स्ट गुण है वह है अध्ययन शील। यानी सामाजिक विज्ञान अध्यापक का जो मेन अगर गुण अगर बताएं तो सबसे पहला शिक्षक का काम ही है शिक्षण कराना, तो शिक्षण कराने के लिए उसे अपनी नॉलेज को निरंतर अपडेट करना पड़ेगा और जब भी क्लासरूम में जाए तैयारी करके जाए, अधूरी तैयारी का प्रभाव पालकों का सही पॉजिटिव रूप में नहीं पड़ता, तो निरंतर अपने ज्ञान में अपडेट रहने वाला, बालकों को भी मोटिवेट करने वाला ऐसा शिक्षक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के मेन गुण के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही है स्पष्ट वाणिता तथा सत्य प्रियता। अब सामाजिक विज्ञान अध्यापक का यह भी इम्पोर्टेंट गुण है जिसमें अध्यापक को सदैव स्पष्टवादी होना चाहिए, कभी भी ऐसा ना हो किसी विशेष बालक के प्रति लगाव और झुकाव के कारण उसकी तारीफ की जाए जबकि उसके अंदर कोई वो नहीं है, गुण भी नहीं है, लेकिन बालकों को पॉजिटिव रूप में उनकी निंदा ना करते हुए ऐसा भाव ना लगे, उनको इस तरह से लगे कि अना शिक्षक मुझे अपने भले के लिए भावी जीवन के लिए कुछ अच्छी राय या मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, इस प्रकार से उनकी कमी कमजोरियों को सामने रखे ताकि बालक उस कमी कमजोरी को सुधारने का प्रयास कर सके। तो सत्य प्रियता और स्पष्टवादिता का गुण भी सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अंतर्गत होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट गुण जो है वह है सौहार्द एवं सहानुभूति व्यवहार। यानी सदैव अपने कलीग्स के साथ जो अपने सहयोगी शिक्षक है, साथ ही जो स्टूडेंट्स है और आने वाले उनके अभिभावक, इन सब के साथ सदैव सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसे ऐसा फील हो कि हमारी मैम हम पे ध्यान नहीं देती है या फिर ये टीचर हम पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता, तो धीरे धीरे एक समय पश्चात बालक उस विषय के अंतर्गत रुचि नहीं लेते, तो सबके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ किसी की ज़्यादा ना निंदा करे ना किसी की ज़्यादा प्रशंसा करे, तो सबके साथ समानता का भाव रखते हुए एक सौहार्दप्रियता का वातावरण सामाजिक विज्ञान अध्यापक को सदैव बनाए रखना चाहिए। इसके साथ
के प्रति निष्ठा। अब सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अंतर्गत ये भी इम्पोर्टेंट एक वो गुण है कि अपने कार्य जो भी उसको अपने शिक्षण के प्रति हो, बालकों के प्रति जवाबदारी और उत्तरदायित्व के प्रति, शिक्षण देने की प्रक्रिया को लेकर के हो, या अपने कलीग्स के साथ हो, या विद्यालय संबंधी प्रधानाध्यापक से संबंधित दिए गए जो भी कार्य हैं उन सबके प्रति अपनी निष्ठा के साथ उन कार्य को पूर्ण रूप करना चाहिए। अन्यथा एक विद्यालय या कक्षा कक्ष अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक ऐसा कटुता या भेदभाव वाला व्यवहार बनता है, ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है जिसमें कि कार्य करना कठिन हो जाता है। तो सबसे अच्छा है सहयोगी रूप से अपने कार्य को अपने उत्तरदायित्व के साथ पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए। इसके साथ जो नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी सामाजिक विज्ञान अध्यापक को सबसे पहले तो उसे अपने अभिव्यक्ति यानी जो बात वो कहना चाहता है उसमें पूर्ण रूप से कौशल और निपुण होना चाहिए। अगर हम जिस बात को जिस भाव से स्टूडेंट्स की बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट्स उस बात को नहीं समझ पाता तो इसका मतलब हमारे अंदर जो हमारी अभिव्यक्ति है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने एक बोलने की जो स्पीच है उसकी पहले से ही अभ्यास कर लेना चाहिए। कभी कभी हेजिटेशन भी होता है तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए अपने अंदर की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास सामाजिक विज्ञान अध्यापकों को करना चाहिए। यही उसका मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है, कहावत भी है कि शिक्षक बोलने की कमाई खाता है, यानी जब तक वो अपनी बातों को पढ़ाते समय बोलेगा नहीं, समझाएगा नहीं, जिस उद्देश्य से वो शिक्षण करा रहा है वह अधिगम बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन में आता है या नहीं, उसका मूल्यांकन करने पर हमें पता चलता है कि हमने कितनी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वह है साधन संपन्नता एवं आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति। यानी सामाजिक विज्ञान अध्यापक ऐसा हो जिसमें साधन संपन्नता का मतलब असर से ऐसा नहीं बल्कि उसके ज्ञान का खजाना। तो साधन संपन्न अपनी नॉलेज को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना ही साधन संपन्नता है। साथ ही अपने विषय से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाएं हैं, चाहे नवीनतम जानकारी है जो बालकों के लिए उसके विषय के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो उनके भावी जीवन में काम आ सके, तो ऐसी साधन संपन्नता स्टूडेंट के हित में ध्यान में रखते हुए शिक्षक को निरंतर अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। साथ ही विद्यालय के अंतर्गत जो भी कार्य दिए जा रहे हैं उनका पहल करते हुए आगे बढ़ करके उन कार्य को करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा या शिक्षण हम कहते हैं सीखना, ये सब क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो साधन संपन्नता जब भी आएगी जब हम निरंतर सीखते रहेंगे, साथ ही हमारे कार्य में निपुणता और स्किल कब डेवलप होगी, जब हम आगे बढ़कर उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक का शिक्षक सदैव अपने कार्य को समय पर पूर्ण करने की, आगे बढ़कर पहल करने की, किसी कार्य को बोझ मनमाने तरीके से या अनमन जो मन होता है जिसमें मन नहीं करता कार्य करने का, ऐसा मन से नहीं करना है। तो इस प्रकार का कार्य करने पर उसकी विद्यालय में एक अलग ही छवि बनती है। तो ये भी गुण सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अंतर्गत होना चाहिए। साथ ही है
नागरिक, क्योंकि शिक्षक समाज का भी एक सदस्य है और समाज का सदस्य होने के नाते वह सदैव समाज के लिए ही, समाज के हित में ही कार्य करता है। और शिक्षा का मेन उद्देश्य ही है बालक का सामाजिकरण करना। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना, सामाजिक गुणों के विकास के आधार पर ही उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी वह, और बालक आगे जाकर के समाज के लिए, समाज से भी एक अच्छा नागरिक बन सकेंगे। तो ये सब बातें पहले स्वयं शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। जब शिक्षक स्वयं एक अच्छा नागरिक होगा तभी मैं अपने समान बालकों को स्टडी करा सकता है, अपने समान कहते हैं एक आइडियल बन करके अपने समान ही बीज को उस समाज के उस ढांचे में डाल सकता है जिसमें वह स्वयं है। तो इस प्रकार एक शिक्षक को एक अच्छा नागरिक भी होना चाहिए। इसके पश्चात है निष्पक्ष। यानी सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है उसको सदैव निष्पक्ष होना चाहिए। यानी किसी भी स्टूडेंट है उसकी ना तो ज्यादा तारीफ करें और अपने सत्य के साथ सदैव झूठ का सहारा ना लेते हुए निष्पक्ष रूप से सबके हित में कार्य करते हुए कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान अध्यापक के ये सभी गुण है। साथ ही ये इम्पोर्टेंट गुण वो है विषय का ज्ञाता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षक अगर अपने ही विषय का ज्ञान नहीं रखेगा तो वह स्टूडेंट में एक अपनी छवि, एक आदर्श को प्रस्तुत नहीं कर सकता और स्टूडेंट भी उसके पढ़ाए हुए ज्ञान पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसे अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही इसके साथ उसमें अपने विषय की नवीनतम जानकारी रखने वाला, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक जो अपने विषय की निरंतर जो नवीन नवीन नवाचार हो रहे हैं, नवीन शिक्षण विधियां हो रही है या नया कोई कंटेंट अपने विषय के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस सब की जानकारी रखे और साथ ही अपने शिक्षकों को भी और साथ में अपने स्टूडेंट्स को भी जो क्लास के हैं या विद्यालय के हैं उनको भी कुछ जानकारी से अवगत कराए ताकि उनके भी सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो सके और तत्कालीन जो घटनाएं घट रही है उनके क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहे हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो उस महामारी का हमारे सामाजिक क्षेत्र में, हमारे शिक्षा के अंतर्गत, हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में, राजनीति के अंतर्गत और हमारे पर्यावरण के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सबको आपस में सहसंबंध करके पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी है जो एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को के अंतर्गत इन गुणों को होना चाहिए ताकि इन गुणों का ही प्रभाव बालकों पर पड़ता है और अपने विषय में भी कुल मिलाकर के एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो ये सभी सामाजिक विज्ञान अध्यापक के सामान्य गुण हैं। ये केवल ना केवल सामाजिक विज्ञान अध्यापक के बल्कि सभी शिक्षकों में भी होने चाहिए। इसके साथ ही कुछ गुण और हैं जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, क्योंकि आज सोशल साइंस सब्जेक्ट को भी
ध्यान करके अपने विषय में सदैव वैज्ञानिक यानी तथ्यों का विश्लेषण करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकालते हुए अपने जो भी समस्याएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को या विद्यालय के अंतर्गत लेकर के की जा रही है उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अंधविश्वास से दूर मुक्त क्योंकि सोशल साइंस टीचर क्योंकि ऐसी सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में भी स्टडी कराता है तो उसे सबसे पहले स्वयं का एटीट्यूड इस प्रकार का पॉजिटिव रखना चाहिए। साथ ही अपने विषय में शोध की प्रवृत्ति रखने वाला आज की जो परिस्थितियां हैं वो दिनों दिन परिवर्तित होती जा रही है और इस परिवर्तित परिस्थितियों में हमने जो स्टडी कराई है वो प्रासंगिक है या नहीं उसके लिए समय समय पर एक तरह से रिसर्च वाला एटीट्यूड रखना चाहिए और रिसर्च वाला एटीट्यूड होगा तभी वो हर चीज को साइंटिफिक वे में अपने बच्चों के सामने रख सकेगा। तो ये सारे जो गुण थे ये हमारे सामाजिक विज्ञान शिक्षक के अंतर्गत होने चाहिए जो उसके सामान्य गुणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक के सामान्य गुणों को स्पष्ट कीजिए। आपको इसका आंसर जो है वो 300 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज जाएं अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। अपने इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथ ही घर से आवश्यक हो तो ही बाहर निकलिए। घर से बाहर जाते समय सदैव फेस पर मास्क लगा के रखिए और दूसरों को भी फेस पर मास्क लगाने की सलाह दीजिए। कम से कम 2 फीट की दूरी लोगों से बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव के हेतु जो भी भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपाय जारी किए गए हैं या एडवाइजरी जारी की गई उसका सदैव पालन करते हुए और उनके संबंध में पोस्टर बना करके स्लोगन लिख करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।